अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे स्टेटमेंट के लिए यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको भी करेक्ट करूँगी और तमाम लोगों को भी करेक्ट करना चाहूँगी कि मेरे पास तुम्हों की स्टोरी अक्सर ये है ही नहीं, वहाँ पर दूसरी शादी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। सेकेंडली ये कि जो मेरा ओपिनियन है ये काफ़ी पुराना है। मैं दो दिन से सोच रही थी, क्योंकि जिस तरह से वायरल है सोशल मीडिया पर और मर्द हजरात बहुत ज़्यादा खुश हैं मेरी इस बात से और ख़वातीन बहुत ज़्यादा खफा हैं इस बात से, तो उन सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जब मेरी शादी हुई थी डे फर्स्ट से मेरा ये स्टेटमेंट है, और जो वीडियो अभी वायरल हुई है वो काफ़ी दिनों पुरानी वीडियो है। सोशल मीडिया पर मुझसे किसी ने ये सवाल किया था, उसी का मैंने जवाब दिया। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो आइडियोलॉजी है या ये जो नज़रिया है ये मेरा नज़रिया है, ये मेरी सोच है। मैं किसी के ऊपर ये थोप नहीं रही हूँ कि अगर मैंने ये किया है तो आप भी ये करें। मेरा नज़रिया ये है कि ये अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है और इसकी इजाज़त अल्लाह ने मर्द को दी हुई है, तो मैं अपने शौहर को किसी भी तरह से ये मिजाजी नहीं हूँ कि मैं उसको रोक सकूँ। तो ज़िंदगी में कभी भी अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है। इसको बड़ा गलत तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि किरण नाज ने अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। कल तो मुझे अपना मोबाइल फ़ोन बंद करना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से मेरे पास कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे, इनफैक्ट मेरे ख़ानदान के अपने लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हो गया, कोई मसला हो गया, जो ये सब कुछ किया जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने भी इस पर रिएक्शन दिया है, वो भी आप लोगों को सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात और मज़े की बात यह है कि जब ये बात होना शुरू हुई है, उसके बाद जिस तरह से ख़वातीन का रिएक्शन मेरे सामने आया है, उस रिएक्शन ने मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई है। और ये अब मैं बात बहुत ज़्यादा क्लियरली कहना चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और उससे बहुत ज़्यादा मुखलिस हूँ। एक ये भी सोच थी जिसकी वजह से मैंने ये स्टेटमेंट दिया, उसका रीज़न शायद बात बहुत ज़्यादा खुलकर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं करना चाहूँगी ताकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो कुछ उल्टे सीधे सवालात हैं वो क्लियर हो। कुछ ख़वातीन ने मुझे ये तक कहा कि हम अपने शौहर को ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो जी जाए, किसी के साथ अफेयर करे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखे, और उसके बाद 2-3 साल के बाद होगा तो हमारा शौहर ही हमारे पास वापस आ जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि फिर वो बीवियाँ अपने शौहर से मुखलिस ही नहीं हैं जो अपने शौहर को गंद करने की, हराम काम करने की तो इजाज़त दे सकती हैं, लेकिन एक हलाल काम की इजाज़त नहीं दे सकती, हलाल काम के लिए अपने दिल को मुतमईन नहीं कर सकती। अगेन, मैंने एक और बात भी कही थी कि एक औरत हूँ मैं, और यकीनन मेरे लिए भी शेयरिंग बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन मैं इस चीज़ पर किसी भी तरीके से हक नहीं रखती कि मैं अपने शौहर को कभी भी ज़िंदगी में कभी भी वो चाहे मैं उसे मना करूं। तो आई थिंक मैं राइट हूं और मुझे लगता है कि मैं दुरुस्त समत में बात कर रही हूं। अच्छा, क्या सिर्फ दूसरी शादी की इजाज़त देने का आप इरादा रखते हैं, अगर वो तीसरी और चौथी करना चाहे फिर? एग्जैक्टली, मैंने यही उस वीडियो में बात की हुई है कि दूसरी, तीसरी, चौथी, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को ये हुक्म दिया हुआ है बराबरी की। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इस पर मुझे कुछ बात याद आ गई कि बहुत सारे लोग मुझे फिर वो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि बराबरी की बुनियाद पर शादी की जाए और ख़वातीन को दोनों के हुकूक बराबर होने चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। तो देखिए, ये सारी चीज़ें सोचना और करना मर्द का काम है। जब मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ की मजाजी नहीं हूँ कि मैं उसको ऑर्डर दे सकूँ या मैं उसको मना कर सकूँ, तो मैं शायद ये भी उसको बताने की मिजाज नहीं हूँ कि भाई आपने बराबरी रखनी है नहीं रखनी, वो उसका और उसके अल्लाह का मामला है। मैं अपने अल्लाह के आगे सरखरू हूँ कि मालिक ने जो हुक्म दिया मैं उसके मुताबिक, ठीक है अगर मुझे दिल में तकलीफ होगी भी, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में तो मैं इस पर मुतमईन रहूँगी। अगर अल्लाह ने मर्द को 2 शादियां या 4 शादियों की इजाज़त दी है तो फिर अल्लाह ने पर्दे का हुक्म भी दिया है, फिर दीगर शरीयत के अहकाम भी हैं। आप फिर, आप पर ये तनकीद होगी कि आप फिर बाल खोल कर क्यों बैठी होती हैं और बगैर पर्दे की क्यों टीवी पर आती हैं? आपकी मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझसे ये सवाल किया है, क्योंकि जो लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं उनके सवाल के अंदर मेरी बात का जवाब मौजूद है। मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, बार बार ये बात कह रही हूँ कि मैं अल्लाह से जंग नहीं कर सकती। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है अगर मैं उसके ऊपर अमल नहीं कर रही तो मैं उसको गलत भी नहीं कह सकती। और यही चीज़ मैंने अपने शौहर को दूसरी शादी के मामले पर अपने शौहर के लिए कही है कि अगर मैं नहीं चाहती, अगर मुझे पसंद नहीं है कि मेरा शौहर किसी और के साथ रहे, किसी और से शादी करे, तब भी मैं उसको ये नहीं कह सकती कि नहीं, तुमने दूसरी शादी नहीं करनी है। इसी तरह से अगर मैं पर्दा नहीं करती हूँ, अगर मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ रही, या अगर मैं अपने बाल खोल कर बैठी हुई हूँ, तो हरगिज़ मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं जी ये तो है ही गलत, पर्दा करना गलत है। आपके हस्बैंड का रिएक्शन जरूर जानना चाहूंगा, उनका रिएक्शन क्या था इस सारे मामले में, क्या था आपने? हाँ, उनका रिएक्शन गो कि उनको पहले से ही पता है। अब जब 2 दिन से बहुत ज़्यादा हुआ कि ख़ानदान की तरफ से कॉल आना शुरू हो गई, क्योंकि वो खबर बन गई, वो बाकायदा वेबसाइट्स पर आ गई, तो पहले तो हंस रहे थे बहुत ज़्यादा,
और उनको जो भी उनके फ्रेंड्स कह रहे थे तो वो कह रहे थे कि भाई ये मेरे पास, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है, लेकिन मेरे पास ये ऑफ़र पहले दिन से है। बट मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरह से मैं मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने शौहर से अपनी मोहब्बत का इजहार करती रहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझसे अक्सर मुख्तलिफ हैं, बहुत शैलो। फेसबुक पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया और वहाँ पर लिखा कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं उनके अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकता। बल्कि जिसने उनको कमेंट किया था, जिसका उन्होंने रिएक्शन दिया था, तो उनके रिएक्शन पर उन्होंने अपने रिएक्शन में साथ में ये भी लिखा था कि आप हमारी मोहब्बत में मज़ीद इजाफे की दुआ करें। अच्छा, जब मेरी बेटी नहीं थी तो उस वक्त, क्योंकि घर में यूजुअली इस टॉपिक पे बात होती रहती थी, हम हंसी मजाक करते रहते थे, तो मैं भी ऑफिस जाती हूँ, समी भी ऑफिस जाते हैं, तो हम ये सोचते थे कि यार किसी ऐसी बंदी से अगर तुमने शादी करनी भी हो ना, तो किसी ऐसी बंदी से शादी कर लेना जो जॉब वॉब ना करती हो, मतलब पढ़ी लिखी हो लेकिन जॉब वॉब ना करती हो, तो उससे हो जाएगा कि मैं ऑफिस अपना संभालूंगी, तुम अपना ऑफिस संभालोगे, तो वो घर संभालेगी। बट अब क्योंकि आयशा है हमारे साथ माशाल्लाह, तो अब मैंने कहा हुआ है, क्योंकि पहले तो एक ये मजाक होता था, लेकिन अब मैंने बड़ी संजीदगी से इस बात पर बात की है और उस पर मैं आपसे सवाल करने वाली हूँ ये बात कंप्लीट करके। तो अब क्योंकि मैंने संजीदगी से बात की है, तो मैंने बड़ा क्लियरली अपने हस्बैंड को कहा कि अब जब कभी भी आपने अगर ये सोचना हो, करना हो, तो अलग घर लेके कीजिएगा, मतलब घर अलग होना चाहिए, मतलब मैं अपनी आंखों के सामने कम से कम ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि अगर मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ सुनो मेरी बात, तो वो दूसरी वाली भी कह रही है नहीं पहले सुनो मेरी बात, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। वो अपनी लाइफ अलग गुजारें, मैं अपनी लाइफ अलग गुजारूँ।